कि चार पांच दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी और सदन का वो अधिकार था, वो स्टेटमेंट हमने मांगा वो देने की तैयारी नहीं थी। स्टेशन के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेशन मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहां ज्वाइन होने के बाद विदाउट सिग्नल दे दिया। 56 साल हो गए सदन का कारोबार करना चाहते, आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देश की जनता ये सब देखी है और इसकी जबरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था राहुल गांधी का वीडियो बनाना? सीधी बात है, वो सदन में ठीक है, सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो किसी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर वेश हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफसान है, किसानों का अफसान है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के हमारे प्रोफेशन की इज्जत करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे। बाहर निकलने का काम किया उन्होंने, सोचना चाहिए। 150 लोगों को बाहर निकाला एक अच्छी बात है, डायलॉग रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ डायलॉग करने की फुर्सत भी नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।